हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शर्न पैशन। अगर तुसी मेरे चैनल नू पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना विद बेल बटन, मेरी वीडियो नू लाइक और शेयर करना, वीडियो नू एंड तक जरूर देखना। तो अज आप गल करांगे डहेलिया प्लांट की केयर बारे, किस तरह केयर करिए जो डहेलिया दे फ्लावर वड्डे वड्डे हो सकन। बाकी जिवें तुसी देख सकते हो अज हवा काफ़ी चल रही है। तो हुण आपां गल करदे हां केयर बारे। सब तो पहला तो आपां गल करांगे कि गमला किस तरह का होना चाहिए। इस दे लई गमला 8 या 10 इंच का काफ़ी ठीक रहिंदा। वैसे तुसी 7 इंच के गमले विच भी लगा सकते हो, अगर गमला 8 या 10 इंच का होगा तो ज़्यादा वधिया। तो गल करांगी है इस दी पॉटिंग सॉइल दी, यानी कि गमले दी मिट्टी दी किस तरह दी होनी चाहिए है। गमले दी मिट्टी दे विच तुसी 2 भाग खाद ते 1 भाग गार्डन सॉइल ते 1 भाग रेत लो। 2 भाग मतलब जिस तरह असी एक मग दे नाल मिण के मिट्टी लईए, 1 मग लवांगे असी गार्डन सॉइल दा ते 1 मग रेत दा, 2 मग खाद दे। वर्मी कंपोस्ट होवे अगर तुहाडे कोल पत्तियां दी खाद तां तुसी वह भी यूज कर सकते हो, अगर तुहाडे कोल पत्तियां दी खाद नहीं तां तुसी गोबर दी खाद भी यूज कर सकते हो। तो इस दे विच तुसी 1 या 1.5 चम्मच बोन मील जां फिर नीम खली 1-1.5 चम्मच यूज कर सकते हो अगर तुहाडे कोल होवे। अगर नहीं है तो रेत गार्डन सॉइल ते खाद नाल तुसी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हो। काफ़ी वधिया वेल ड्रेन और सॉफ्ट तैयार होती है। बाकी तुसी 15 दिन बाद इसकी गड़ाई जरूर कर दो। 15 दिन 20 दिन बाद अगर जब तुहाडे कोल टाइम होवे तो तुसी इसकी गड़ाई जरूर करो। बाकी आप गल करांगे इसनू किन्ने टाइम की धुप्प चाहिए है, मतलब कि इस प्लांट में 6-7 घंटे इस धुप्प में आराम ना रख सकते हैं। जिन्नी ज़्यादा धुप्प में इस प्लांट में रखांगे तो इसके फ्लावर्स का साइज उन्ना ही बड़ा होगा। जिवें तुसी देख सकते हो फ्लावर, तुसी मेरा देख सकते हो, इसका साइज मेरे हाथ के साइज के नालों भी बड़ा वा। तो इनू धुप्प में रखो। इसमें पानी कितना देना चाहिए, तो पानी इसमें हमेशा मिट्टी चेक करके दो। अगर तुहानू लगता कि इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हुई है उपरों तो ही इसनों तुसी पानी दो। बाकी गमले के अकॉर्डिंग, छोटे गमले च मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है, बड़े गमले के थोड़ा टाइम लगता। तो बाकी पानी इन्ना क दो कि मिट्टी तुहाडी बिल्कुल चिक्कड़ की तरह ना हो जाए, तो इन्ना घट भी ना दो कि सुक के इस तरेड़ा आ जाए। तो मिट्टी तुहाडी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए है। तो इस तरह हाथ लाने से तुहाडे हाथ में चिपकनी नहीं चाहिए कि इन्नी ज़्यादा गिली हो के हाथों चिपक जाए। तो जिवें तुसी देख सकते हो मेरी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट तैयार हुई हुई है। तो पॉटिंग मिक्स तुहाडी वधिया वा, तो इहदे विच्चों ऑलरेडी पानी ड्रेन हो जाता पौन ते। तो बाकी अगर तुसी पानी चेक करके दोगे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गल करते हैं फर्टिलाइजर की, तो काफ़ी खाद पसंद प्लांट है, तो इसनों खाद की ज़्यादा जरूरत होंगी है, तो असी इसनों फर्टिलाइजर भी ज़्यादा देते रहेंगे, खाद भी ज़्यादा देवे ता जो इसके फ्लावर्स बढ़िया तरीके आते रहन। गल करते हैं फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर के असी चाह की पत्ती जिस तरह असी चाह बनाने उस वेस्ट चाह की पत्ती निकलती है, उन्होंने असी पानी ना वॉश करके सुका सकते हैं। तो उसनू 15 दिन बाद पत्ती चाह की फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो गोबर की खाद वर्मिंग कंपोस्ट भी इसनों दे सकते हैं। अगर असी कैमिकल फर्टिलाइजर की गल करिए उस विच इसनों डीएपी भी दे सकते हैं असी। तो बाकी
ਖਾਦ ਪਸੰਦ ਪਲਾਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਲਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਲਦੀ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਿਊ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊ ਬੰਚਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡੇਲੀਆ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ।